बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। और मैं सूरज रास, और आज के इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए, बीएससी और या फिर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए हम एक जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको पता होगा, जिसे हम फर्स्ट एड्स एंड हेल्थ के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग हमने 300 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपको 100 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, ठीक है। और इसमें से आप 85% प्लस करके आएंगे बड़े आसानी से। केवल आप वीडियो को देख लेते हैं तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पर भी लिंक दे रखा है और हमने अपनी वेबसाइट पर भी इसका लिंक दे रखा है। तो आप कहेंगे सर डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको वेबसाइट पर डाउनलोड जाने के लिए सबसे पहले हमने लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है paperhacker.in का। इस तरीके से एक वेबसाइट है, देखिए paperhacker.in, ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे, आप देख लीजिए ये आप www.paperhacker.in इस तरीके से आपको लिखना है। और आपके नीचे थोड़े से नीचे जाने के बाद में, जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर, यदि आप सेकंड सेमेस्टर हो तो इस पर टच कर दीजिए। आप बीए सेकंड सेमेस्टर में तो इस पर टच कर दीजिए। आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में तो इस पर टच कर दीजिए। मान लीजिए मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हूँ तो इस पर टच कर देता हूँ, और जो ऐड आया उसको क्लोज कर देना है। और नीचे जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ हमारे नोट्स दे रखे हैं, सेकंड सेमेस्टर के सभी नोट्स हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है फैट्स एंड हेल्थ नोट्स इन हिंदी, पास की गारंटी 100%। ये आप डाउनलोड पीडीएफ पर बटन पर टच करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए कंपलसरी नोट्स होता है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पार्ट वन पहले हो चुका है वीडियो का, पार्ट टू हो चुका है और पार्ट थ्री है ये वीडियो का। पार्ट कितनी है बेटा? थ्री, जिसमें हम 200 क्वेश्चन पार्ट टू में कवर कर चुके थे। अब हम बात करेंगे पार्ट थ्री की, जिसमें हम 201 से स्टार्टिंग करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि पेपर हैकर के द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सारे पेपर में आते हैं। और जिन यूनिवर्सिटियों में एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल एमसीक्यू, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, फिजिक्स वगैरह जो भी है, जितने बीए बीए बीकॉम के सबके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उनकी पीडीएफ आप जिस तरीके से मैंने paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर बताया था वैसे जाके आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का 45% भाग किससे बना है? तो देखिए जो हमारे जो हमारी बॉडी है, मानव शरीर की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी से बोलते हैं, उसका जो 45% जो भाग होता है वो मांसपेशियों का बना होता है। किसका होता है बेटा? मांसपेशियों का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पेशी ऊतक में जल का प्रतिशत होता है? तो बेटा जो पेशियां होती है हमारी, पेशी ऊतक होता है, उसमें जो जल का प्रतिशत होता है वो 75% होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का कह सकते हैं भंडारण होता है, तो एटीपी का जो भंडारण होता है वो होता है पेशी में। कहाँ होता है बेटा? पेशी में होता है एटीपी का भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है 204 क्वेश्चन, देखिए 204वां क्वेश्चन आपसे बोला गया है, हैमस्ट्रिंग पेशी कहाँ पाई जाती है? तो बेटा ये जांग में पाई जाती है, नोट करके रखिए, ये जांग में पाई जाती है हैमस्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? जो हमारी मांसपेशियाँ हैं तो उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर बनेंगे और फटाफट उन क्वेश्चनों के आप आंसर लगा के आएंगे। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। यह बोला गया है बाइसेप मांसपेशी का संबंध होता है, तो ये हाथ से होता है बेटा। किससे होता है? ये होता है हाथ से। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेल्टाइड पेशी कहाँ पाई जाती है? देखो डेल्टाइड का मतलब होता है डेल्टा के आकार की पेशी कहाँ पाई जाती है, तो ये कंधे में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है बेटा? कंधे में, डेल्टाइड पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि कंकाल तंत्र को सुडोलता और सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, बाला तंत्र कौन सा होता है? पेशी तंत्र होता है। कैसा होता है बेटा? पेशी। जो कंकाल तंत्र को सुडोलता मतलब कि एक सुडोल बनाता है, कठोर बनाता है, और क्या करता है? सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र कौन सा कहलाता है? वो होता है पेशी तंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि शरीर की अस्थियों की अस्थियों जो अस्थियों को हम हड्डी बोला जाता है, तो शरीर जो बॉडी की जो अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, ब्रॉन होती है, उनकी क्या करना है? गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो कौन होता है? मांसपेशियाँ। जो हमारी हड्डियाँ हैं, हमारी जो मान लीजिए हमारी बॉडी में जितनी हड्डियाँ होती हैं, पैर की हड्डियाँ, तो उन्हें गति कौन प्रदान करता है? वो मांसपेशियाँ उनमें हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं।
कौन करती है? मांसपेशियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ बोला गया है कि मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। ये 600 से 700 तक होती हैं, ठीक है, इनके बीच पाई जाती हैं, 600 से 700 के बीच। ठीक है, कौन? ह्यूमन बॉडी की जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, 600 से 700। यहाँ कह रहा है ट्राइसेप पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो मैंने ऊपर आपको बताया था ये कंधे में पाई जाती है, कोहनी के बीच, ठीक है, भुजा में पाई जाती है, कंधे और कोहनी के बीच में जो भुजा होती है उसमें पाई जाती है, तो ये ठीक है कंधे में हाथ में ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है मानव शरीर में गतिशीलता का कारण क्या होता है? मांसपेशियां। मानव शरीर कैसे गति करता है, कैसे दौड़ते हैं, तो ये मांसपेशियों के द्वारा ही हम लोग, लेकिन जो हड्डियों को मदद करती है मांसपेशियां दौड़ाने में, ठीक है, अस्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि मानव शरीर के कुल भाग में मांसपेशियों का भार कितना होता है, तो देखो जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मानव शरीर है, उसका कुल भार में जो मांसपेशियों का जो भार होता है वो 45 कितना होता है, 45% होता है। जैसे मान लीजिए कि आप में 100 किलो यदि वजन है, आप 100 किलो है, तो उसमें 45 किलो आपकी मांसपेशियां होंगी, मतलब कि मांस होगा, ठीक है, मांसपेशियां होंगी, बाकी और होंगी, जैसे कि आपकी उंगली के ऊपर जो मांस लगा हुआ है ये मांसपेशियां कहलाती है, जो भी है, तो ये 45% पाई जाती है, 45% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ कह रहा है शरीर में मांसपेशियों का मुख्य कार्य होता है, तो मैंने कहा गति प्रदान करना, मतलब कि हमें दौड़ाना, फिराना, चलाना, ठीक है, ये सब क्या है, गति प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पेशियों की क्या भूमिका है, तो मानव बॉडी में जो पेशियां होती हैं उनकी जो भूमिका होती है, मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मांसपेशियों क्या भूमिका, गतिशीलता बनाना, ठीक है, गतिशील बनाना, सुडौलता प्रदान करना, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है, तो यह है पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप हो गए 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बार बार हमें कंफ्यूज कर देता है, देखिए यहाँ हम ऊतक की बात कर रहे थे, ऊतक 5 प्रकार के होते हैं, जब पेशियों की बात करें तो पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ऊतक जो टिश्यू होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, पेशियाँ हमारी 3 टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अस्थियों के साथ जुड़ी पेशी क्या कहलाती हैं, रेखित पेशी कहलाती हैं, जो अस्थि मतलब हड्डियों के जो साथ जुड़ी होती हैं पेशियाँ, उनको हम रेखित पेशियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रेखित पेशियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंगों को कौन गति देता है, तो शरीर के अंगों को पेशी ऊतक गति देता है, कौन देता है, पेशी ऊतक, याद रखना शरीर के अंगों को कौन गति देता है, तो पेशी ऊतक देता है, ठीक है, शरीर के अंगों को कौन गति देता है, तो पेशी ऊतक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ कह रहा है क्योंकि पेशी ऊतक क्यों देता है, क्योंकि पेशी जो ऊतक होते हैं, पेशी जो होते हैं वही तो पेशियाँ तो जुड़ी होती हैं अस्थियों से, तभी तो वो गति देगा। यहाँ कह रहा है कौन सी पेशी इच्छा अनुसार कार्य करती है, तो आपको रेखित पेशी इच्छा अनुसार कार्य करती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा, मैंने अपने हाथ को उठाया, तो ये क्या मेरी इच्छा ने, मेरे दिल ने, मतलब मेरे माइंड ने कहा, ब्रेन ने बोला कि भाई हाथ को उठाओ, राइट को, लेफ्ट को, तो ठीक है, तो ये क्या कर रही है, रेखित पेशियां होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है, और रेखित पेशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे दृढ़ या फिर शक्तिशाली पेशियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे दृढ़ होती है वो होती है जबड़ा। जबड़ा एक ऐसी पेशियां होती है सबसे मोट कह सकते हैं, जबड़ा जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, शक्तिशाली होता है मनुष्य का, ठीक है, तो ये जबड़ा सबसे ज्यादा कह सकते हैं पेशियां जो होती है वो शक्तिशाली होती है या फिर दृढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है, तो दम घुटने पर, प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है सांस रुकने पर या फिर मोच या और हड्डियाँ टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। मान लीजिए किसी को, आप किसी का पेशेंट है, घर में है, कोई बीमार है, अचानक उसको दब घुटने लगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई इसको सीने को दबाओ फटाफट कि इसके अंदर ऑक्सीजन पूरी बैठे, ठीक है, दम घुट रहा है तो, या फिर उसको ऑक्सीजन देने का प्रयास करेंगे यदि आपके पास ऑक्सीजन है तो। दूसरा क्या है, यदि
सांस रुकने पर, मान लीजिए आपकी सांस रुक रही है तो आप क्या करोगे, कोई हॉस्पिटल थोड़ी देखोगे जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, तो आप वहीं अपना खुद ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, कि भाई इसको दबाओ कुछ भी करो सांस दो, ठीक है। तो सांस रुकने पर मोच आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो आप, मुझे लगता है कि हड्डी टूटने के बाद 1 से 2 दिन बाद ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे हड्डी टूटती है वैसे आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए होगे, क्यों, क्योंकि इसलिए हड्डी है मोच आ जाती है, आप देखते हो पता नहीं हड्डी टूटी है नहीं टूटी है, है सही है चल रहा है हाथ, लेकिन जब 2 दिन हो जाते हैं 3 दिन हो जाते हैं दर्द वैसा ही रहता है, सूजन आ जाती है, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, समझ रहे ना। तो ये पोजीशन जो आपने पहले ट्रीटमेंट किया उस पर जो भी लगाना था, जो दवाई लगानी थी, दवाई खानी थी, ऐसी थैला छाप डॉक्टर से ले लिए, तो ये प्राथमिक चिकित्सालय के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि घायल व्यक्ति को CPR कब तक देना चाहिए, तो CPR कब तक देना चाहिए घायल व्यक्ति को, तो कह रहा है जब तक कि वह मुंह खोलकर सांस नहीं लेता तब तक CPR देना चाहिए, ठीक है। CPR कब तक देना चाहिए घायल व्यक्ति, कोई घायल है हो गया तो उसको CPR तब तक देना चाहिए जब तक कि वो मुंह खोलकर सांस नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सालय बॉक्स में होता है, तो आपको सबको पता होगा दंतमांस दवाइयां भी होती हैं उसमें, मान लीजिए आपका प्राथमिक चिकित्सालय बॉक्स लेके आए कहीं मार्केट से, तो उसमें आपको दवाइयां मिलेंगी, किसी को दर्द नवास नाशक दवाई मिलेगी, रुई मिलेगी, कॉटन वगैरह आपको मिलता है, ठीक है, और डिटॉल या फिर सेवलॉन वगैरह वहाँ होगा धोने के लिए, और विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ उसमें होती हैं, तो ये प्राथमिक चिकित्सालय बॉक्स कहलाता है, ठीक है। तो ब्रुक सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए, यदि घाव, यदि किसी को चोट लग गई है और वहाँ से ब्लड स्रावित हुआ है, ब्लड कोल्डिंग हुआ है, तो आप क्या करेंगे भाई, क्या हुआ, तो उसमें आप कौन सी पट्टी बांधेंगे, तो आपको कीटाणु रहित होनी चाहिए, मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ साफ और सुथरी होनी चाहिए, उपरोक्त हम सी को लॉक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया रहित, मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं कीटाणु वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि गंदा हो, मिट्टी में गिर गया, उसको लगा दोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे और वो जो घायल व्यक्ति है उनको इन्फेक्शन हो जाएगा और जो मांस है वो सड़ने लगेगा, जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ बोला गया है कि घाव पर लगाई जाने वाली दवा कौन सी होती है, तो आपको पता होगा बेटाडीन, देखो यहाँ दे रखा है, यदि किसी को चोट लग जाता है तो आप किसी और ट्यूब का यूज ना करें, बेटाडीन की पट्टी करवाएं, आराम से 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। बेटाडीन बहुत अच्छा एक ट्यूब भी होता है, इसका द्रव भी लिक्विड भी हमें आता है और ड्रॉप में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है पट्टी बांधनी चाहिए हमेशा, पट्टी एक नहीं, यहाँ कह रहा है देखो ना अधिक ढीली ना कसी, कैसी होनी चाहिए, ना तो ढीली होनी चाहिए और ना तो ज़्यादा कसी हुई होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए, जो हमारा बॉडी का आकार है, तो उसी, मान लीजिए हमारे उंगली में चोट लगी है तो उंगली के जिस प्रकार से उंगली है उसमें हल्की, मतलब हाथ से ज़्यादा जोर से नहीं बल्कि ऐसे कि उंगली भी ना दबे और ब्लड संग्रोह सिस्टम पूरा होता रहे, ब्लड उसमें पूरा पहुँचता रहे और कहीं वो बंद ना हो, क्लोट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो पट्टियाँ 4 प्रकार की होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पट्टियों का प्रकार, सॉरी प्रयोग करते हैं, पट्टियों का प्रयोग कब किया जाता है, तो आप हो गए जब घायल और चोट लगने के लिए, जब चोट लग जाती है तब उसको ढकने के लिए किया जाता है, रक्त स्राव रोकने के लिए किया जाता है, सूजन कम करने के लिए भी हम लोग पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पट्टी लगा लेते हैं कुछ लोग, है ना, तो बहुत से प्रकार की पट्टियाँ होती हैं, कितने 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है रिफ नॉट का प्रयोग करते हैं, तो रिफ नॉट का प्रयोग कौन, डॉक्टर करते हैं बेटा, रिफ नॉट का प्रयोग कौन करता है, डॉक्टर लोग करते हैं रिफ नॉट का, ठीक है, रिफ नॉट का प्रयोग कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है झोला या गोपन का प्रयोग किए जा प्रयोग किसे सहारा देने के लिए किया जाता है, देखो यहाँ कह रहा है कि झोला और गोफन, जो गोफन होता है या फिर झोला होता है उसका प्रयोग किसे सहारा देने के लिए किया जाता है, तो आप कहोगे, आप देखा होगा जब आपका हाथ टूट जाता है, कंधे से टूट जाता है, उस वक्त क्या करते हैं, झोला या फिर जो गोफन होता है ना उसमें से हाथ को आपको टांग देते हैं उसमें, ताकि जो हाथ है वो हिले नहीं और जहाँ है वो वहीं की वहीं रहे, तो उसमें हाथ और भुजा के लिए, ठीक है, तब उसमें किया जाता है झोला टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया अस्पताल में प्रयोग प्रया किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है, देखो अस्पताल में गोल पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर होती है वो गोल पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि घायल के
स्थानांतरण हेतु प्रयोग किए जाने वाली विधि कौन सी है? जब कोई घायल हो जाता है तब उसे कौन से आपको स्थानांतरण विधि अपनानी चाहिए? मान लीजिए आप या आपका कोई पेशेंट घायल हो गया है, तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे? तो आपको हो गए, उसमें आपको स्ट्रेचर लेना पड़ेगा। स्ट्रेचर चार पैर वाला होता है, आप उसके ऊपर लेट जाते हैं, आपको पता होगा, आराम से उसको धकिया के ले जाया जाता है एक से दूसरे स्थान पर, तो वो स्ट्रेचर कहलाता है। या फिर एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण करके, या फिर आप किसी व्यक्ति को गोद में ले जाकर भी स्थानांतरण कर सकते हैं। दूसरा है डोली, या फिर चारपाई द्वारा स्थानांतरण। डोली ले जाकर फिर चारपाई पर बैठा लकर एक एक जगह से दूसरे जगह पर उनको सैर करा सकते हैं या फिर स्थानांतरण करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए, मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाना को कहते हैं। देखो, ले जाने को कहते हैं, जब कोई मूर्छित व्यक्ति होता है, जब कोई मूर्छा आ गई है, बेहोश हो गया, मूर्छित का मतलब होता है बेहोश हो जाना, जब बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसमें जब आप कंधे पर डालकर उसको लेके जाएंगे उस व्यक्ति को, तो आप क्या कहलाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। तो ये कहता है फायरमैन लिफ्ट बोलता है। जब आप किसी मूर्छित व्यक्ति को अपने कंधे पर डाल के लेके जाते हैं तो उसे फायरमैन लिफ्ट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है कि फायरमैन लिफ्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो चार प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक तरल पदार्थ को जोड़ों, देखो ये कह रहा है, एक तरल पदार्थ को जोड़ों को नमदार और चिकना बना देता है। एक पदार्थ है जो जोड़ों को नम बना देता है और चिकना बना देता है, तो वो कौन सा तरल होता है, कौन सा लिक्विड होता है? तो कह सकते हैं सायोवेल एक तरल होता है, वो क्या होता है, जोड़े को एक नर्म और चिकना बना देता है। ठीक है, साइनोवेल, जो साइनोवेल तरल होता है उसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वो हृदय में पाई जाती हैं। हृदय पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, एरिथ्रोसाइट को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट को RBC बोला जाता है, RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, RBC बोला जाता है एरिथ्रोसाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसे हम WHO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो मानव की जो बॉडी की जो हड्डियां होती हैं वो किस आधार पर बांटी जाती हैं? तो उनको हम आकार और आकृति के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थि पिंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ का तोड़ा तल जोड़ कहा जाता है? देखिए, ऐसा कौन सी अस्थि का जोड़ होता है जिसको हम थोड़ा चल जोड़ बोलते हैं, उसको हम साइनोवियन जोड़ बोलते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे, साइनोवियन जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, ब्लड AB रक्त समूह कहा जाता है। AB को हम सर्वग्राही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सर्वभौमिक ग्राही, मतलब कि सर्वग्राही भी बोल सकते हैं, सर्वग्राही याद रखना है। ठीक है, सर्वदाता O को बोला जाता है, AB सर्वग्राही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के पेसमेकर को यह भी कहा जाता है, हृदय का जो पेसमेकर लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम SA नोड बोलते हैं, SA नोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो SA नोड भी बोला जाता है पेसमेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हृदय में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम RBC बोलते हैं, RBC बोला जाता है, ये सहायक होती हैं, तो श्वसन में क्या होती हैं, श्वसन में सहायक होती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती हैं, RBC ये हमारे जीवाणुओं, ठीक है, उनसे लड़ने की सहायता करती हैं, इस तरीके से WBC करती हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ने का सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, हीमोग्लोबिन को मिलाने में बहुत सहायता करती है, हीमोग्लोबिन को यही RBC मिलाती है, और इस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन
पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का हीमोग्लोबिन का होता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंतर्गत पाई जाती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करना, मतलब कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाना, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठे करके हमारे बॉडी से बाहर निकालना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त संचार होता है, तो वो होता है मालिश द्वारा। आप किसी भी चीज़ की मालिश करते हैं तो हमारी बॉडी में रक्त संचार होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब्जा। ठीक है, संधि पाई जाती है, कब्जा का मतलब होता है जो कब्जा टाइप की जो संधि होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको कोहनी में, घुटनों में, उंगलियों में, ये कब्जा टाइप की संधि पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, और ये अंगली, मान लो अगली उंगली जुड़ी हुई है तो ये इधर से उधर लच सकती है आराम से इधर उधर, तो वो चीज़ है कब्जा टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ध्रुवग्र संधि पाई जाती है, वो आपको दोनों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रियो, देखो एंथ्रियोकास्ट का दूसरा नाम क्या है? तो आपको उसको आरबीसी बोलेंगे, एंथ्रियोकाइट्स का जो तो दूसरा नाम है वो आरबीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? मैं ऊपर बता चुका हूँ, ऑक्सीजन का आकर्षण और साथ ले जाना, मतलब कि आकर्षित करना, मतलब ऑक्सीजन को अपने ओर आकर्षित करना और उनको अपने साथ में ले जाकर पूरी बॉडी में फैलाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोजन आवश्यक है रक्त के जमाव में। ठीक है, जो फाइब्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? वो रक्त के स्राव में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, रक्त जब स्राव हो रहा है तो उसमें क्या करता है? वो जमावने का काम करता है। ठीक है, तो जवाब में, रक्त के जवाब में बहुत ज़्यादा सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उद्देश्य है तो वो है जीवन का बचाव। याद रखना, ये उद्देश्य होता है प्राथमिक उपचार का, कि जीवन का बचाव हो चाहे वो कैसे भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी रक्त में ले जाती हैं हृदय से, तो जो धमनियाँ होती हैं वो रक्त ले जाती हैं हृदय से, रक्त को लेके जाती हैं धमनियाँ। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, तो वो सबसे बड़ी जो मांसपेशी जो बात की जाए, मांसपेशी की जब नाम की बात की जाए, तो आपको ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देंगे। ठीक है, जिसे हम ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि रक्त के प्लाज्मा में जल होता है, तो 90% प्लाज्मा में जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 256 की बात करेंगे, ये है फिसलने वाली संधि कहाँ पाई जाती है? फिसलने वाली संधि जो होती है वो कलाई और टखने में पाई जाती है, फिसलने वाली संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंपिंग अंग कौन सा होता है? पंपिंग अंग जो होता है वो बेटा हृदय होता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि भंग का सही उपचार क्या होता है? घायल अंग को सहारा देना अस्थि भंग का सही उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियां अस्थियों से जुड़ी हो रहती हैं, तो पेशियां जो अस्थि से जुड़ी रहती हैं किसके द्वारा? तो आप कहोगे वो जुड़ी होती है, मान लीजिए पेशी है और ये अस्थि हड्डी है, अब ये जुड़ी हुई है, मांस इससे जुड़ा होता है, मांस हड्डियों से जुड़ा होता है, क्यों कुछ कहते ना मांस छोड़ दिया हड्डियों को, ऐसा भी होता है, तो जुड़ा होता है किसके कारण, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो आपको टेंडन के द्वारा, टेंडन द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कौन सा तत्व वायु में या वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है? तो रक्त का कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है? तो पहले बता चुका हूँ हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है? तो आपको कहे आरबीसी, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं दे रखा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए, और WBC का कार्य क्या होता है? हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया का पहुंचा है तो उसको नष्ट करना RBC का प्रथम उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किसके प्रयोग से हाइड्रोथेरेपी दी जाती है? तो हाइड्रोथेरेपी किसके, देखो हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है जल, H2O, जल के द्वारा कोई भी उपचार करना, तो जल, देखो हाइड्रो दी जाती है किस, देखो किस प्रयोग से,
जो हाइड्रोथेरेपी दी जाती है वो जल के प्रयोग से, जब जल का प्रयोग करोगे तब वो जल के द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग किसी भी पेशेंट का, तो उसे हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, व्यास मनुष्य में मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य है उनके मरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो मरुदंड में अस्थियों की संख्या होती है वो 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट का अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट का अन्य नाम WBC होता है, WBC को हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि मनुष्य के किस भाग में अशुद्ध रक्त आता है, तो मनुष्य के अशुद्ध रक्त आता है तो वो आता है हृदय के किस भाग में आता है, तो आपको बाएं सॉरी दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में क्या होता है अशुद्ध रक्त आता है, जब बाहर से आएगा बॉडी से घूम घाम के तो वो दाएं अलिंद में आता है, ठीक है, और वो कैसा होता है अशुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो इस तरीके से होता है, चार कक्ष में, ये दोनों ऊपर अलिंद होते हैं और नीचे दोनों निलय होते हैं, ठीक है, और ये हमारा दायां होता है, ये हमारा बायां होता है, दाएं वाले में ये पहुंचता है बाएं वाले में नहीं, ठीक है, सुधर दाएं मोड़। यहाँ कह रहा है रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, तो बेटा वो क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी में कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो आपको ये कीलदार जोड़ पाया जाता है रीढ़ की हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का वह भाग जहां फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, हृदय का वह भाग जहां फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से आता है, देखिए देखिए बाएं अलिंद, ठीक है बाएं अलिंद, तो याद रखोगे हृदय से, देखो हृदय का वह कौन सा भाग है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, जब फेफड़े क्या करता है छानता है, जब देखिए मैं आपको बता दूं, अशुद्ध बॉडी से जब अशुद्ध रक्त आया घूम घाम के तो वो दाएं अलिंद में आ गया, लेकिन जब हमारे लंग्स ने फेफड़ों ने जब छाना, ठीक है ब्लड को, तो वो कहाँ आया, वो आया हमारे बाएं अलिंद में, ठीक है, तो बाएं अलिंद में आता है, उसके बाद निलय में होकर पूरी बॉडी में चला जाता है। ये क्या करते हैं, अलिंद का मतलब होता है इधर उधर से ब्लड को लाना, और निलय का मतलब होता है पूरे बॉडी में संचालन करना, ये काम होता है अलिंद और निलय का, मैंने आपको बता दिया, आप आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है धूप, जिसे हमें विटामिन डी मिलती है, हड्डी डी विटामिन डी की जरूरत होती है भाई। परिसंचरण तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, अंग होता है तो वो देखो परिसंचरण तंत्र की बात करने वाले हैं, ठीक है, वो तंत्र का दो, अब देखो परिसंचरण तंत्र का होता है ये है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिरा आ जाएगा, हृदय आ जाएगा, धमनी हो जाएगा, ये परिसंचरण का मतलब होता है हमारी बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड को इधर उधर पहुंचाना, किन किन का काम होता है, तो एक तो हृदय का काम होता है प्रथम, सिराओं का मतलब जिसमें अशुद्ध रक्त आता है, और शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में फैलाना, ये धमनियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, मतलब कि रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, स्थानांतरण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो आपको गए एरिथ्रोसाइट के द्वारा होता है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है एरिथ्रोसाइट के द्वारा होता है, जैसे हम एरिथ्रोसाइट को हम RBC बोलते हैं, RBC याद रखिए RBC बोला जाता है, इसमें फिला इसमें क्या होता है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में सहायक होता है प्लाज्मा, ठीक है, देखो रक्त जब निकलता है हमारा हाथ कट जाता है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद कुछ पीला पीला टाइप का हमारे जहाँ से ब्लड निकला है वहाँ जम जाता है, तो ये प्लाज्मा होता है, ठीक है, और प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, 60 से 70% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, किस भाग में रक्त का थक्का देर से जमता है, मान लीजिए आपको चोट लगा तो किस रोग के कारण या फिर किस कारण जो आपका रक्त का थक्का देर से जमेगा, मान लिया आपको चोट लगा और बहुत टाइम हो गया खून बहते हुए, तो एक रोग होता है जिसका नाम है हिमोफीलिया। हिमोफीलिया रोग के कारण क्या होता है, उस पेशेंट के अंदर रक्त का स्रावण अधिक देर तक होता है और वो जमता नहीं है, थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वो होता है यदि मान लीजिए किसकी उपस्थिति में शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आप कहोगे कि हमारे रक्त मान लीजिए हमारे रक्त में बॉडी हमारे बॉडी में खून दौड़ रहा है तो ये जाम क्यों नहीं होता है, मतलब ये थक्का क्यों नहीं जमता है, अंदर नसों में भी थक्का जम सकता है, क्यों नहीं जमता है, तो आप कहोगे वो है हिपेरिन।
हिपेरिन एंजाइम के कारण क्या होता है, हमारे हिपेरिन एंजाइम हमारी बॉडी में उपस्थित होता है जिस कारण क्या है रक्त का थक्का नहीं जमता है हमारी बॉडी के अंदर। इस बात को हम याद रख सकते हैं हिपेरिन एंजाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा सहायक एंजाइम होता है, वरना ये नहीं होगा तो समझ लो आपकी बॉडी में क्या हुआ, थक्का जम जाए। उसके बाद में क्या आता है, रक्त बना होता है तो जल से भी होता है, प्रोटीन से और नमक इन सब से होता है, क्योंकि आपने जब भी आपको खून को अपने कभी कट जाता है तो आपने कभी कभी बचपन में या कुछ ना कुछ जब करते हो तो आप मुंह में भी ले लेते हो जब, ठीक है ना, खून को निकलने नहीं देते, मुंह में ले लेते हो, चाट लेते हो, तो आपको कुछ नमकीन टाइप का लगता है, तो वहीं आपको नमक भी आपको वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। सोडियम, यहाँ देखिए यहाँ बोला गया है रिकेट्स रोग संबंधित होता है, वो हड्डियों से होता है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है बेटा ये रोग, इस बात को भी आपको याद रखना है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, स्टेपिस ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध के समय कौन सी संस्था प्राथमिक चिकित्सालय सेवा उपलब्ध कराती है, मान लीजिए जब आपको युद्ध हुआ या फिर प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गई, तो प्राथमिक चिकित्सा सेवा कौन उपलब्ध कराता है आपको, मान लीजिए एक संस्था है, उस संस्था का नाम बताना है। विश्व बैंक तो आपको सहायता प्रदान नहीं कराएगी आपको भाई, प्राथमिक चिकित्सालय वहां तो आपको इंजेक्शन लगाने नहीं आएगी, बचाने नहीं आएगी, या फिर देखो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, यहाँ डी को क्लियर कर देना। एक है सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसे हम रेड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी, जो आप जब भी आपदा होती है, एक प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध वगैरह होता है, और जो जो युद्ध करते हैं तो जो घायल हो जाते हैं उनके इलाज के लिए एक रेड क्रॉस सोसाइटी आती है, और उसके अंतर्गत वो उन सभी जो घायल हुए हैं उनका इलाज करने में करती है और वही पूरा उनका खर्चा उठाती है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे हम रेड क्रॉस सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप WHO पे मन लगा लेना, क्योंकि ये संस्था है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सिर्फ कुछ कह सकते हैं, इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, पूरे विश्व के छांटे हुए वैज्ञानिक होते हैं, और इनमें क्या होता है, यदि कोई भी रोग आता है तो उसका सैंपल बनाना, उनको कैसे एंटीबायोटिक बनाना, ये काम इन लोगों का होता है, ठीक है। बाकी जो प्राकृतिक चिकित्सा जो सेवा वो रेड क्रॉस सोसाइटी ही कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की अस्थियां या फिर जोड़े होते हैं, तो आपको तीन प्रकार के, मैं कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किस सम्मेलन सम्मेलन के घोषणा पत्र में रखा गया है, मतलब यहाँ साफ साफ बोला गया है कि सबके लिए स्वास्थ्य, मतलब एक एक लक्ष्य रखा गया था कि सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है। तो सबके लिए स्वास्थ्य जो होगा वो कौन से लक्ष्य, एक ऐसा एक घोषणा पत्र दिया गया था उसमें इस लक्ष्य को सम्मेलन किया गया था, तो वो कौन सा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र का आपका नाम बताना है, तो वो है अल्मा अटा सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था और उसमें इस घोषणा पत्र को लक्ष्य रखा गया था, उस घोषणा पत्र में एक लक्ष्य रखा गया था जिसे अल्मा अटा सम्मेलन बोलते हैं, जिसमें सबके लिए स्वास्थ्य ये एक लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य से जो केंद्र है उसकी अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था, सबसे पहले लाए थे, बहुत लाए थे, भोर कमेटी, एक भोर कमेटी थी, भोर कमेटी थी, वो इसको सबसे पहले सामने लाई थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेटा ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी की चोट है, तो आप कहोगे जो गुम चोट लग जाना या फिर क्या होता है खिंचाव आ जाना, ये सब मांसपेशियाँ की चोट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, किस खेल में गुम चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, तो वो होती है कबड्डी में भी, कुश्ती में भी और मुक्केबाजी में गुम चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, उपरोक्त सभी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं
सम रूप से मोच कहाँ आती है, कह सकते हैं जो समान रूप से कह सकते हैं, या समान रूप से जो मोच आती है, अधिकतम जो मोच आती है वो कहाँ आती है, तो आप कहोगे कोहनी या टखने, दोनों पर, कोहनी पे भी आ सकती है, टखने पर, यही ज़्यादातर मोच 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 कह सकते हैं, मोच आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ देखो, यह बोला गया है खरोंचे निम्नलिखित में से किस खेल से आती हैं। खरोंचे का मतलब है जब आपको चोट लग जाती है, छोटी छोटी खाल ऊपर से छूट जाती है हल्की सी, तो ज़्यादातर हॉकी में भी आती है और फुटबॉल में भी आती है और आपका बॉक्सिंग में भी आती है, तो आप लोग सभी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ कह रहा है रगड़ का लक्ष्य होता है या लगड़ का लक्षण जो होता है रगड़, यदि आपको रगड़ लग गया, खरोच लग गई है, उसका लक्षण आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कहे क्षतिग्रस्त स्थान पर रक्त स्राव होगा, जहाँ भी आपको खरोच या रगड़ लगी है उसका लक्षण यह है, ये जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ से थोड़ा सा हल्का सा खून निकलेगा या फिर आपको क्षतिग्रस्त स्थान पर रक्त स्राव का निर्माण होगा, ठीक है, वहाँ से निकलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिबंध में अचानक तेजी से स्राव है क्या कहलाता है, मोच कहलाता है। एक अस्थिबंध है उसमें अचानक तेजी से क्या हुआ, खिंचाव आ गया, ठीक है, उस खिंचाव को हम मोच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है पेशी में ऊतकों का फटना कहलाता है, जब पेशी के अंदर ऊतक फट जाते हैं तो उसको खिंचाव बोलते हैं। मान लीजिए आपके अंदर पैर था और एकदम बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, तो क्या होगा, उसमें जो पेशियाँ एक मेंटेन अपनी जगह ले रखी थी, अब वो बहुत ज़्यादा तन गई या फट गई, ठीक है, फटना एक क्या कहलाता है, खिंचाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, स्नायु तंतु पर चोट का कारण रक्त जम जाना कहलाता है, ये कहलाता है नील नील पड़ना या फिर नीला पड़ना हुआ, यहाँ नील नहीं नीला पड़ना, ठीक है, नीला हुआ, यहाँ नीला पड़ना क्या होगा, यदि आप किसी को स्नायु मतलब की चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रक्त का जो जम जाना या फिर नीला पड़ जाना होता है। ठीक है, कहते हैं खून मर गया ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो वो चीज़ है। ठीक है, विदारण में घाव के निम्न लक्षण होते हैं, तो आपको बताऊंगा सूजन, दर्द और कह सकते हैं साथ ही साथ खून का बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिंचाव, देखिए यहाँ कह रहा है खिंचाव का लक्षण क्या होता है, अब दर्द भी होगा, सूजन भी आएगी और साथ ही साथ पेशी में कमजोरी भी आएगी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव का लक्षण क्या होता है, जब आपको घाव होगा तो उसका लक्षण क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे उसमें मवाद पड़ना, जब घाव है तो उसमें मवाद भी पड़ सकता है और त्वचा का फटना या फिर खून का बहना, ये सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट का कारण क्या होता है, तो चोट का उपरोक्त सभी कारण होते हैं, उपरोक्त सभी चोट के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपको कह सकते हैं दब जाना, ठीक है, टकराना या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना होने के बाद चोट का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, हम यहाँ बात करने वाले हैं, एक आ गए हैं नेक्स्ट इकाई टू के साथ में, इकाई वन हमारी कंप्लीट हुई है, इसी तरीके से शायद चार इकाई इसमें होंगी कंपलसरी, ठीक है, और हम सभी इकाइयों को बाखूबी देखेंगे और याद करेंगे, और हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 194 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी से जल्दी हम कराते हैं यूनिट टू को, इसके पार्ट फोर में, किसमें, इसके पार्ट फोर में कराएंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पहले तो पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, बाय बाय।